दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है आज की। जिस तरह से दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है, उसके बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। रैंडम लोगों को रोककर उनका रैपिड टेस्ट किया जा रहा है कोरोना का। और जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उन्होंने दिखाया भी कि एक दो लोगों के रिपोर्ट वहां पर पॉजिटिव भी आए हैं। राहुल, आपने वहां पर कुछ लोगों से बात की होगी, क्या उन लोगों को किसी तरह की परेशानी भी हो रही है इस दौरान, जिस तरह से उन्हें रोककर टेस्ट किया जा रहा है, क्या किसी ने इस तरह की कोई बात कही? देखिए, जिन लोगों को रोका जा रहा है उनको बताया जा रहा है कि नोएडा में आप अगर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे टेस्ट कराना होगा कोरोना, क्योंकि आपने कराया है या नहीं कराया उसके बाद आप यहाँ रुकेंगे, आप उसके बाद उनका टेस्ट कराएंगे। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि हाँ, हमने नहीं कराया, लेकिन अगर कोशिश यहाँ की जा रही है, हमारा टेस्ट हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी लोग आए हैं, जिन लोगों को बैठाया गया है, तो रैंडमली हैं सारे। हालांकि गाड़ियां लगातार निकल रही हैं, जहां लगेगा वहां रोका जाएगा उनको। सीएमओ जो बैठे हैं यहाँ पे, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनके पास ले जाया जाएगा, नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, पूरी जानकारी के बाद उनका टेस्ट हो जाएगा और 15 से 10 मिनट के अंदर उनको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। जैसे एक पॉजिटिव आया, आगे का प्रोसीजर है उसको आगे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, जो क्वारंटीन है या जिस तरीके की प्रोसेसर है वो पूरी की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ देखिए, आपको एक तस्वीर और दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे इस टैक्सी को रोका गया है। यहाँ पे अब इस टैक्सी के जो लोग होंगे इनका टेस्ट होगा इसी तरीके से रैंडमली। यानी कहा जा रहा है कि रैंडमली जो टेस्ट है, जो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और सरकार ने जिस तरीके से कहा है, किसी तरीके की कोई बाधा नहीं होगी, रोक कर तमाम उनका टेस्ट किया जाएगा। और ये एक तस्वीर इसलिए भी क्योंकि प्रशासन यहाँ पे जो सीएमओ की टीम है वो काफी बड़ी टीम लाए हैं और टीम के जो काम है वो यही है कि यहाँ पर उनको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनको रिपोर्ट दी जाएगी। हालांकि ये कोशिश पहले भी थी, मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज जानना चाहेंगे कि अभी जो रैंडमली टेस्ट हो रहे हैं, लगातार लोगों को रोका जा रहा है, लोगों ने कोई परेशानी बताई आपको? नहीं, अभी कोई परेशानी नहीं है, तो एसिम्प्टोमेटिक है। अच्छा, तो जैसे अगर उनको पॉजिटिव आपने बताया एक आया है, तो उनको क्या, उनका प्रोसेस क्या है, उनको क्या वापस भेजेंगे, क्या करेंगे? दिल्ली वालों को दिल्ली भेजेंगे, नोएडा को नोएडा का प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा। अच्छा, और जो ये जो टेस्ट है 10 मिनट में आपको रिपोर्ट मिल जाती है? जल्दी मिलती है, और जल्दी मिलती है। और इसके अलावा टारगेट है कोई, कितने लोगों का कर लेंगे आप? नहीं, टारगेट नहीं होता है, रैंडम सैम्पलिंग में क्या टारगेट होता है, तो हम जितने लोग मैक्सिमम कर सकेंगे, हमारे 4 एलटी लगे हैं। ठीक है, मतलब कितने बजे तक करना है आपने? शाम तक। बिल्कुल, ये सीएमओ है डॉक्टर दीपक ओहरी और ये पूरी टीम के साथ यहाँ बैठे हैं। जिनको पुलिस रोकेगी उनको यहाँ लाएंगे, यहाँ प्रॉपर उनका कहा जा सकता है कि पूरा सीक्वेंस जाना जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट अगर आती है पॉजिटिव, तो अगर दिल्ली का है तो उसको दिल्ली भेजा जाएगा, नोएडा का है जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो राहुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं आपके जरिए कि काफी स्मूथ तरीके से इसको इस काम को किया जा रहा है, ना ही ट्रैफिक को वहां पर डिस्टर्बेंस हो रही है, लोगों को रैंडमली रोककर उनका सैंपल टेस्ट किया जा रहा है और कई कुछ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आए हैं। और जैसा कि सीएमओ साहब ने बताया कि जो लोग दिल्ली के हैं उनके लिए दिल्ली का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा अगर उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली रियंदी। जी राहुल बताएं। देखिए, अभी जिस तरीके से तैयारियां हैं, अब दिन का समय जैसे जैसे बढ़ेगा भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो डॉक्टरों की टीम है यहां पर आप देखें, महिलाओं जो डॉक्टर हैं जो इस टेस्टिंग को कर रहे हैं, साथ में जो दूसरी टीम है वो अलग से फॉलो कर रही है, यानी पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। मैं आपको एक तस्वीर और दिखा दूं, जो यहां पर लोग आ रहे हैं उन लोगों को पूछा जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुड़गांव से। गुड़गांव से आ रहे हैं, यहाँ टेस्ट हो रहा है, आपने कराया इससे पहले कभी टेस्ट? कराया था। क्या आया था रिपोर्ट? नेगेटिव आया था। नेगेटिव आया था आपका? पहले आपने भी कराया? हाँ जी सर, मैं बिहार में करवाया था, नेगेटिव आया था। अब यहाँ दोबारा होगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो वापिस भेज दिया जाएगा। कहाँ काम करते हैं आप? मैं सर ऐसे ग्लास का काम करता हूँ, मेरा कोई अस्थायी नहीं होता है कि आज कहाँ जाना है कल कहाँ जाना है। तो अभी टेस्ट कराना है, ठीक है? अब सर ठीक क्या है सर, हम लोगों को रोका गया है सर काम पे, वहाँ पे फोन आ रहा है, लेट हो जाएगा, फिर हम लोगों को दिक्कत होगा। जी ये तस्वीर है, पूरी तरीके से देख लीजिए आप कि यहाँ पे लोगों को रैंडमली रोका जा रहा है जो काम करने वाले हैं, और लगातार ये देखिए यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। हालांकि
जी राहुल, तो कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही है जैसा कि आपने बातचीत की, और ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर डीएनडी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो लोग दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये आज की बड़ी खबर है। तो राहुल, जैसा कि हमने देखा आपके जरिए कि आपने कुछ लोगों से बातचीत की और कुछ लोग मना भी कर रहे हैं शायद वहां पर टेस्ट कराने से, ऐसी भी कुछ तस्वीर नजर आ रही है वहां पर। बिल्कुल, जो आपने इससे पहले एक तस्वीर देखी होगी वो युवक नहीं कराना चाह रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने कहा कि रैंडमली चेक होगा, अभी आपने देखा उसका टेस्ट होगा। पहले जो ये 4 से 5 युवक हैं इनको रोका गया है, जो स्थायी रूप से अलग अलग इलाकों में काम करते हैं, इनको इनका प्रॉपर एड्रेस दिया जाएगा, कहाँ के रहने वाले हैं। किसी ने कहा है कि इनका पहले भी टेस्ट किया जा चुका है और अब उनको यहाँ पर उनका पूरा जानकारी लेने के बाद रैंडमली उनका टेस्ट कराया जाएगा, यानी जिनको नहीं कराना है वो भी कराएंगे क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिनको रोका जाएगा वो जरूर कराएंगे क्योंकि पुलिस बल इसलिए लगाया गया है स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ताकि रैंडमली जिनको रोका जाए उनका टेस्ट यहाँ किया जा सके। यानी पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इस डीएनडी पे इस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, यानी प्रशासन अलर्ट है, केस निकल रहे हैं पॉजिटिव, अगर एक केस पॉजिटिव निकलता है तो कई चीजें होती है क्योंकि वो अकेला नहीं आता, उनके साथ पूरे लोग होते हैं, तो ऐसा है तो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा और उसी के आधार पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए कुछ लोग इस गाड़ी से निकले थे, कुछ लोगों को यहीं खड़ा किया गया है क्योंकि अभी उन पे जितना समय लगेगा उसके बाद इनको भेजा जाएगा, यहाँ इनको रोका गया है। आप लोग इसी गाड़ी में थे, आप लोगों का भी टेस्ट होगा अभी? कोई बात नहीं, टेस्ट होगा। इससे पहले कराया कभी? नहीं। आपने कराया कभी? कभी नहीं कराया। आपने कराया कभी इससे पहले? नहीं, नहीं। परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो नहीं है? नहीं। ये डीएनडी की तस्वीर है, यहाँ पे जिस तरीके से कुछ लोगों को भेजा गया है, यहाँ पे प्रशासन लगा है, अलर्ट है, जिनको लगता है कि उनको रोका जाएगा उनका टेस्ट किया जाएगा। यानी तस्वीर बदली हुई इसलिए लग रही है क्योंकि दिल्ली में लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो प्रशासन है नोएडा प्रशासन, उन्होंने इस तरीके की सूझ ली है और उन्होंने कहा है कि रैंडमली हम करते हैं और इस तरीके से जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आगे के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, और ये देखा भी जा रहा है। जी,